हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है हमारे चैनल सूर्या एजुकेशन हेल्प डेस्क में। तो आज हम बात करने वाले हैं पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी के बारे में। तो चलिए, उससे पहले आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकन को दबा दिए ताकि हमारे आने वाले वीडियो आप लोगों को जल्द से जल्द पहुँचे। तो चलिए हम बताते हैं, अगर और साथ ही ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही शेयर कीजिए और कमेंट कर बताइए कि वीडियो कैसे लगा। और इसी तरह की वीडियो पाने के लिए कमेंट करके बताइए कि आप लोगों को किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए। तो चलिए हम बताते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि आप लोगों का जो डेट था पार्ट वन, पार्ट टू, पार्ट थ्री और बहुत सारे कोर्सेज का जो डेट था एग्जामिनेशन फॉर्म भरने का, उसमें थोड़ा चेंजिंग हुआ है। जो 15 अप्रैल से था उसमें कुछ चेंज किया गया है बोर्ड की तरफ से। सभी कोर्सेज के लिए चेंज नहीं किया गया, लेकिन कुछ के लिए चेंज किया गया है। जैसा कि आप लोग यहाँ देख रहे हैं, यहाँ दिया गया है कि सभी महाविद्यालय के प्रधानाचार्य को सूचित किया जाता है। जैसे कि आप देख रहे हैं, सभी महाविद्यालय के प्रधानाचार्य को सूचित किया जाता है कि कोरोना संक्रमण के कारण पूर्व में घोषित अनुमानित परीक्षा प्रपत्र स्कूटनी एवं डिग्री रजिस्ट्रेशन सेशन 2023 से संबंधित तिथि में विस्तारित की जाती है, जो निम्न है। यानी कि पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी के द्वारा कहा गया कि कोरोना संक्रमण कारण जो पहले जो घोषित तिथि थी परीक्षा फॉर्म भरने के लिए और स्कूटनी एवं डिग्री रजिस्ट्रेशन सेशन के लिए, तो उन सभी में कुछ बदलाव किया गया है। तो वो जो किया गया कोरोना संक्रमण के कारण किया गया है, पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी के द्वारा कहा जा रहा है कोरोना संक्रमण के कारण किया जा रहा है। फिर देखिए नीचे दिया है कि किस किस डेट में चेंजिंग हुआ है। तो आप लोगों का जो डेट था 14 तारीख को रजिस्ट्रेशन स्लिप डाउनलोड करने का, उस डेट को बढ़ाकर 19/4/2021 कर दिया गया है। यानी आप लोग 19 तारीख को आप लोग रजिस्ट्रेशन स्लिप डाउनलोड कर सकते हैं पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पर जाकर। और फिर दिया गया है कि फिर यहाँ दिया गया है पार्ट वन, देखिए डिग्री पार्ट वन 2020-23 के जो भी सेशन के जो भी स्टूडेंट हैं, चाहे वो रेगुलर हो या वोकेशनल हो या फिर बीकॉम बीए या बीएससी का ही स्टूडेंट क्यों ना हो, तो आप लोगों का जो डेट था 15/4/2021 उसको बढ़ाकर पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी द्वारा 22/4/2021 कर दिया गया। यानी 22/4/2021 को आप लोग फॉर्म भर सकते हैं। फिर देखिए नीचे दिया गया किस कोर्स में बदलाव किया गया। फिर देखिए नीचे दिया गया 5 ईयर्स ला, जो भी स्टूडेंट 5 ईयर्स ला कोर्स में एडमिशन लिए हैं और जिनका सेशन 2018-23 है, उनका जो 15/4/2021 से उनका फॉर्म भराना था, लेकिन उनका फॉर्म अब 20/4/2021 से उनका फॉर्म भराएगा। और साथ ही फिर दिया गया है 5 ईयर्स ला वही है, लेकिन सेशन में चेंजिंग है 2019-24, जिनका सेशन 2019-24 है उनका भी डेट में चेंजिंग किया गया है। उनका डेट में चेंजिंग किया गया है, 15/4/2021 को फॉर्म भराना था लेकिन अब 20/4/2021 को फॉर्म भराएगा। फिर दिया गया है नीचे 3 ईयर्स ला के जो भी कोर्स कर रहे हैं, जो भी स्टूडेंट कोर्स कर रहे हैं और जिनका सेशन 2018 कैसे है, उनका जो डेट पहले था 15/4/2021 था, अब बढ़ाकर 20/4/2021 कर दिया गया है। तो और उसके बाद देखिए यहाँ दिया गया है 3 ईयर्स ला 2019-22 सेशन, जो भी स्टूडेंट 3 ईयर्स ला कर रहे हैं 2019-22 सेशन, तो उनका जो डेट था 15/4/2021 फॉर्म भरने का, उनका डेट अब बढ़ाकर 20/4/2021 कर दिया गया है। फिर नीचे दिया गया है बीएड फर्स्ट ईयर्स के जो भी स्टूडेंट है 2018-20 सेशन के, उनका जो फॉर्म है 15/4/2021 को भराना था लेकिन अब 20/4/2021 को भराएगा। उसके बाद फिर दिया गया बीएड फर्स्ट ईयर्स सेशन में थोड़ा 2019-21 जिनका सेशन 2019-21 है, उनका जो फॉर्म है 15/4/2021 को भराना था अब 20/4/2021 को भराएगा। फिर नीचे दिया गया है बीएड सेकेंड ईयर्स का स्टूडेंट जो भी हैं और जिनका सेशन 2018-20 है, उनका जो फॉर्म था 15/4/2021 को भराना था लेकिन अब 20/4/2021 को भराएगा। फिर नीचे दिया गया है अप्लीकेशन फॉर स्कूटनी, यानी अंडर ग्रेजुएट रेगुलर प्लस वोकेशनल एंड पीजी रेगुलर प्लस वोकेशनल,
इन सभी का जो 5/4 किसका फॉर्म भराना था स्कूटनी के लिए, उन सभी का फॉर्म 20/4 किसको भराएगा। तो आप लोगों ने देखा कि किस कारण से ये सभी कोर्स के लिए बदलाव नहीं किया है, बहुत कुछ जो और जो कोर्स थे उनका एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो गया है, लेकिन कुछ इसमें जितना दिया गया है उसी कोर्स में सिर्फ बदलाव किया गया है और बाकी सब में बदलाव नहीं किया गया है। तो आप लोग डेट देख लीजिएगा कि आप लोगों का जो एग्जामिनेशन फॉर्म कब से फिलअप होगा, और साथ ही आपका रजिस्ट्रेशन स्लिप, खास करके जो पार्ट वन में है सेशन 2023 है उनका जो रजिस्ट्रेशन स्लिप है उनका भी, उनका डेट जो 19 रजिस्ट्रेशन स्लिप डाउनलोड करने का डेट है 19/4/21 है। तो आप लोग 19/4/21 को डाउनलोड कर लिएगा, और साथ ही आप लोगों को तो मालूम है यहाँ 22/4/21 को आप लोगों का फॉर्म भराएगा, तो आप लोग 22/4/21 को फॉर्म भर सकते हैं। तो चलिए धन्यवाद, आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो, अगर ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही शेयर कीजिए और कमेंट कर बताइए कि वीडियो कैसा लगा, और इसी तरह की वीडियो पाने के लिए कमेंट में बताइए कि आप लोगों को किस तरह की वीडियो चाहिए। तो चलिए धन्यवाद।